हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपेक्स अकेडमी के ई पोर्टल में, जहां पर हम वीडियो लेक्चर के थ्रू मशीनिंग टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अभी तक बहुत सारे कंसेप्ट हो गए हैं। अगर पिछले लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो बेटा उन्हें फ़ौरन देखिए। और मैं साथ साथ आपको इरादा दूंगा कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें वीडियो लेक्चर के थ्रू, से दो तीन बार आप वीडियो को देखिए, उसे समझिए। कोई भी डाउट आता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजिए, हम आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो बेटा रिवीजन बहुत ज़रूरी है। समझ में चीज़ एक टाइम में आ जाती है, लेकिन उस चीज़ को याद कैसे रखा जाता है, उसके लिए जो की है, जो मेन फैक्टर है, वो रिवीजन का है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था बेटा कि किस तरीके से हम डिफरेंट पैरामीटर्स को स्टडी कर रहे थे, कौन कौन से पैरामीटर है जो अफेक्ट डाल रहे थे। उसके बाद हमने ऑर्थोगोनल मशीनिंग और ऑब्लिक मशीनिंग में डिफरेंस को जाना था, क्या होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमने बहुत सारी टर्म जो हैं वो सीखी थी, जैसे कि शेयर प्लेन क्या होता है। ठीक है, वो प्लेन जिसमें जिसके अलॉन्ग चिप सेपरेट होती है अपने पेरेंट मटीरियल से। ओके, इसी बीच हमने ये देखा था कि कैसे डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल में चिप फॉर्मेशन होती है। ओके, नाउ अब हम आगे की बात करेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चिप रिडक्शन कोफिशेंट, चिप रिडक्शन कोफिशेंट एंड कटिंग रेशो। ठीक है, इसमें हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, चिप थिकनेस, चिप थिकनेस रेशो। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। ओके, तो चिप रिडक्शन रेशियो आपको याद है क्या था, A2/A1। ये चिप रिडक्शन रेशियो होता है जिसे मैं RR से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, RR मतलब चिप रिडक्शन रेशियो। अगर मैं सिर्फ R लिखता हूं, यानी कि चिप थिकनेस रेशियो, उसका मतलब होता है A1/A2। आज थोड़ा सा हम इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है, और कहां से ये आया है। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वर्कपीस मान लेते हैं। ठीक है, दिस इज द वर्क पीस, एक कटिंग टूल बना लेते हैं ये। ओके, ये कटिंग टूल है। ठीक है, अब ये कटिंग टूल जब वर्कपीस अपना एक रोटेशन, मान लीजिए दिस इज द एक्सिस ऑफ वर्कपीस, दिस इज द एक्सिस ऑफ वर्कपीस। ठीक है, ओके, दिस इज द, इसके अबाउट ये ग्रीन जो मैंने लाइन खींची है ये वर्कपीस की है, ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो मान लीजिए जब वर्कपीस अपना एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेता है तो कटिंग टूल यहां आ जाता है, यानी कि कटिंग टूल की ये पोजीशन यहां होगी। ठीक है, जैसे ही आपका वर्कपीस एक रोटेशन पूरा करता है तो आपका कटिंग टूल यहां आ जाता है। तो ये आपका वर्कपीस का अनमशीन सरफेस है और ये आपका मशीन सरफेस है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई वर्क पीस। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मशीन सरफेस। ओके, ये आपका अनमशीन है, तो मैं इसे थोड़ा सा रफ दिखा देता हूं ऐसे। ओके, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये एफ है। ठीक है, आपको याद है कि जब वर्कपीस अपना एक रोटेशन पूरा करेगा तो टूल इस फीड के थ्रू, स्मॉल एफ, इस फीड के थ्रू कितना इधर, दिस इज फीड, इस फीड कितनी फीड आगे बढ़ जाए, कितनी फीड दी जा चुकी होगी कटिंग टूल को जब वर्कपीस का एक रोटेशन पूरा हो जाएगा। तो मैंने मान लिया दिस इज एफ। नाउ अब मैं इस लाइन को मिटा देता हूं और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालता हूं, दिस इज द परपेंडिकुलर यहां। ठीक है, अब ये डिस्टेंस जो है आपकी, ये दिस इज ए वन, दिस इज ए वन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, दिस इज ए वन। और ये वर्क, ये डिस्टेंस जो है ये मैंने मान लिया इज बी वन, बी वन। तो एफ हो गया आपका फीड, फीड जो है आपकी एम एम पर रेवोल्यूशन के लिए,
ठीक है। A1 हो गया आपका अन कट चिप थिकनेस, अनकट चिप थिकनेस जिसे हमने mm में ले लिया, ओके। और B1 इज नथिंग बट विड्थ ऑफ चिप, चौड़ाई कितनी है, विड्थ ऑफ चिप बिफोर बिफोर कट, बिफोर कटिंग और मशीनिंग, ये भी आपकी mm में होगी, ओके ठीक है। अब कटिंग टूल, कटिंग टूल वर्कपीस के रेस्पेक्ट में इधर जा रहा है, या कहूं वर्कपीस कटिंग टूल के रेस्पेक्ट में इधर जा रहा है, तो ये इधर होगी आपकी वीसी कटिंग वेलोसिटी, दिस इज कटिंग वेलोसिटी, ठीक है। तो वीसी को मैं लिख देता हूं वीसी कटिंग वेलोसिटी ऑफ वर्कपीस विद रेस्पेक्ट टू टूल, कटिंग टूल ठीक है, ओके ठीक है। अब इसे अगर मैं इस सेक्शन के थ्रू देखूं, ये जो प्लेन है, इस प्लेन को मैं कह दूं पाई ओ, ये जो मैंने एक प्लेन मान लिया मैंने जो ऐसे खड़ा है, ये देखिए ऐसे जैसे मेरा हाथ है ना, मैंने मान लिया कि ये पाई ओ है, इसे कहते हैं ऑर्थोगोनल प्लेन। और इस पाई ओ के ठीक परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, जैसे कि हमने टूल रेफरेंस सिस्टम में लिया था, ठीक परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा वो कहलाएगा पाई सी, यानी कि कटिंग प्लेन, जहां पर जिस प्लेन में आपको कटिंग होते हुए दिखाई दे या चिप निकलते हुए दिखाई दे जिस प्लेन में, उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, कटिंग प्लेन। तो इसके ठीक परपेंडिकुलर होता है कटिंग प्लेन, ठीक है। तो पाई ओ के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं इसे, तो अब जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो स्टूडेंट बहुत इजीली समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है, जिसकी ड्राइंग अच्छी है। तो मुझे ये जो आपका वर्क पीस है कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, ये वर्क पीस आपका ऐसे दिखाई देगा, एंड दिस विल बी द कटिंग टूल, ये आपका क्या होगा, कटिंग टूल, ठीक है। तो आप देखेंगे A1 डिस्टेंस, ये यहां से ये ऐसे चली, तो दिस डिस्टेंस इज A1 अनकट चिप, यही तो होती है बेटा, हमने वहां पे पढ़ा था, ठीक है। तो एक तरह से मैं इस प्लेन के अलावा इसे कट करता हूं मशीनिंग एरिया को, और फिर इधर से खड़ा होकर देखता हूं, ऐसे देखता हूं मैं इसे, तो ऑर्थोगोनल प्लेन के अलोंग ऐसे दिखाई देगा मुझे, ठीक है, ओके। तो अनकट चिप थिकनेस, अब मैं इस डायग्राम को अगर सीधा करके बना दूं ऐसे, ये एक सेकेंड इधर देखिए, दिस इज कटिंग टूल, दिस इज वर्क पीस। तो बेटा ये डिस्टेंस आपकी A1 थी अनकट चिप थिकनेस, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके, ठीक है, ओके। तो ये है आपका पूरा डायग्राम जिससे हमें समझना है, ठीक है। तो जब वर्कपीस ने एक रेवोल्यूशन पूरा किया, तो कटिंग टिप जो है कटिंग टूल की, वो मान लीजिए यहां से यहां तक आई, तो ये तो हो गई लॉन्गिट्यूडनल फीड, दिस इज एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल फीड। और A1 जिसे हम ट्रू फीड भी कहते हैं, ठीक है, अनकट चिप थिकनेस भी कहते हैं, वो हो गई ये परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस हो गई B1। नाउ दिस इज A2, दिस इज A2। अब A2 क्या है, A2 हो गई चिप थिकनेस, यानी कि चिप थिकनेस, कटिंग होने के बाद चिप की कितनी थिकनेस है, दैट इज चिप थिकनेस, ये भी आपकी mm में होगी, ये भी आपकी mm में होगी, ठीक है। और मैंने मान लिया B2 इज चिप विड्थ, ये भी mm में होगी। तो अनकट चिप यानी कि वो चिप जो कटी नहीं है,
और चिप वो जो कट चुकी है, तो अनकट चिप और चिप के लिए ये दोनों डाटा यहाँ पर हमने लिख दिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके उतार भी सकते हैं। ठीक है, ओके नाउ, ठीक है मैं इसे मिटा देता हूँ ये। ठीक है, तो मशीनिंग एरिया को हमने अभी एनालाइज किया है। ठीक है, अब एक टर्ब और यहां पर देखते हैं हम, ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं, यानी कि ये वाली डिस्टेंस यहां से ये, ठीक है, इसे हम कहते थे, याद होगा आपको, डी, यानी कि डी क्या होती थी आपकी, डेप्थ ऑफ कट। और याद रखना, डेप्थ ऑफ कट हमेशा परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन को दी जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन को दी जाएगी। ये भी किसमें होगी बेटा, एमएम में। ओके, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये इसका काम क्या है, टू पेनिट्रेट द वर्कपीस, यानी कि वर्कपीस के अंदर थोड़ा सा कटिंग टूल चला जाए। ये आपका वर्कपीस है मान लीजिए, दिस इज कटिंग टूल, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए ये है, इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है वर्कपीस, तो मेरा कटिंग टूल इसके ठीक परपेंडिकुलर जब मूव करता है एक डिस्टेंस तक, तो उसे कहते हैं डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, इससे क्या होता है कि वर्कपीस के अंदर कटिंग टूल आपका क्या हो जाता है, पेनिट्रेट करता है, उसमें धंस जाता है। ओके, बात समझ में आ गई। नाउ अब हम बात करेंगे बेटा, आपको याद होगा हमने ये रिलेशन पहले देख लिया था कि ए वन इज इक्वल टू एफ साइन फाई, जहां फाई क्या है आपका, अप्रोच एंगल याद है आपको। ठीक है, एफ फीड हो गई, ए वन अनकट चिप, ये तो आपके याद ही होगा। ठीक है, तो चिप रिडक्शन रेशियो क्या होता है, चिप रिडक्शन रेशियो आर आर, मैं इसे आर आर से दिखा रहा हूं, इज इक्वल टू होगा ए टू अपॉन ए वन, और ये हमेशा एक से बड़ा होगा, यानी कि ए टू की वैल्यू ए वन से हमेशा बड़ी होगी, तभी तो ये एक से बड़ा आएगा ये वाली टर्म। अब ए टू ए वन से बड़ी क्यों होती है, ये मैंने आपको समझाया था, किस वजह से बड़ी होती है बेटा, ये बड़ी होती है क्योंकि चिप पर कंप्रेशन फोर्स लगा होता है, जिससे कि उसकी लेंथ कम हो जाती है और थिकनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, ड्यू टू कंप्रेशन फ्रॉम द साइड ऑफ कटिंग टूल एंड अनकट मटेरियल व्हाट विल हैपन एंड फ्रिक्शन, यानी कि तीन तरीके से कंप्रेशन लगा था, याद होगा आपको, चिप पर, एक तो कटिंग टूल की तरफ से, एक लगा था फ्रिक्शन की वजह से, और एक लगा था अनकट मटेरियल ने जो रेजिस्टिंग फोर्स लगाया था। ओके, तो उस वजह से क्या होता है कि ए टू थिकनेस, चिप की जो है थिकनेस, तो जब किसी चीज की लंबाई कम होगी उसकी थिकनेस बढ़ेगी या नहीं, अगर मैं किसी चीज को ऐसे करता हूं तो उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, तो थिकनेस तो बढ़ जाएगी लेकिन लेंथ कम हो जाएगी। अब मैं यहीं पर मान लेता हूं कि एल वन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ अनकट चिप। ठीक है, ये भी एमएम में रहेगी, और L2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ चिप, ये भी आपकी एमएम में रहेगी। बात समझ में आई। ठीक है, बहुत सारी टर्म है, इन्हें साथ साथ नोट करते चलना बेटा, क्योंकि मैं बोर्ड पे सारी चीज़ें एक साथ नहीं लिख सकता। ठीक है, तो मैं तो मिटाता रहूँगा, आपको पॉज करके इन्हें नोट कर लेना है फौरन। ठीक है, L1 एंड N2, बात समझ में आई। ठीक है, नाउ तो R चिप रिडक्शन रेशियो क्या हो गया, A2 अपॉन A1, A2 बड़ा है, A1 छोटा, इसलिए वैल्यू एक से बड़ी आएगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कटिंग रेशियो या चिप थिकनेस रेशियो R, ये क्या है आपका कटिंग रेशियो या चिप थिकनेस रेशियो। ओके, तो ये बराबर होता है आपका ए वन अपॉन ए टू, अब ये हमेशा एक से छोटा होगा, ये भी अब आपके समझ में आएगा, क्योंकि ए टू बड़ा है ए वन छोटा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा एक से छोटी आएगी। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है कि अगर उसने ऐसे कहा कि चिप थिकनेस रेशियो जो है वो आपका 1.3 है,
तो आप समझ जाएंगे कि वो रिडक्शन की बात कर रहा है, चिप रिडक्शन रेशियो की, क्योंकि वन से बड़ी वैल्यू। अगर वो कहता है चिप थिकनेस रेशियो इज 0.8, तो आप समझ ही जाएंगे कि दैट इज A1 बाई A2। ठीक है, फर्क कुछ नहीं होता रेशियो में, बस टर्म ऊपर नीचे जो है वो चेंज हो जाती है। बट हाँ, इनके नाम अलग अलग इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि चिप रिडक्शन रेशियो मतलब चिप की लंबाई में, वो मोटाई में यहाँ कमी आई, और चिप थिकनेस रेशियो अनकट चिप और चिप का रेशियो होता है। ठीक है, तो टर्म उलझाने के लिए है। वैसे बेसिकली इनका कोई खास इनमें फर्क नहीं होता, बस वैल्यू का फर्क होता है, वो हमने देख लिया क्यों होता है। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे वॉल्यूम कंसिस्टेंसी की। ये मैं साफ कर देता हूँ अब पूरा। ओके, अब हम बात करेंगे वॉल्यूम कंसिस्टेंसी की। वॉल्यूम कंसिस्टेंसी, वॉल्यूम कंसिस्टेंसी क्या होता है बेटा, कि किसी भी चीज का वॉल्यूम ऑपरेशन से पहले जितना था उतना ही वॉल्यूम बाद में रहेगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं यहां कि वॉल्यूम ऑफ अनकट चिप इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ अनकट चिप एंड वॉल्यूम ऑफ चिप। ठीक है, तो ये होती है वॉल्यूम कंसिस्टेंसी, जितना आयतन पहले था उतना ही आयतन बाद में, जिसे हम आयतन सततता भी कहते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। अब देखिए, वॉल्यूम क्या होता है किसी चीज़ का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो अनकट चिप के लिए उसकी लंबाई L1 है, चौड़ाई B1 है, और मोटाई या थिकनेस A1 है। चिप के लिए L2 इंटू B2 इंटू A2, ऐसी तो है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, थियोरेटिकली B1 इज इक्वल टू B2। वैसे तो देखिए, चिप की चौड़ाई और अनकट चिप की जो चौड़ाई होगी उनमें डेफिनेटली फर्क आ जाएगा, बट आसान बनाने के लिए अपना प्रोसीजर हम क्या करते हैं कि इन दोनों को इक्वल मान लेते हैं। जब ये दोनों इक्वल हो गई तो आप नोटिस करेंगे ये B1 B2 से कट जाएगी या नहीं, तो बचा क्या बेटा, इधर देखना A2 अपॉन A1, A2 के नीचे मैं A1 लिया है, तो L1 के नीचे क्या लाऊंगा, L1 अपॉन L2, है ना। अब ये बड़ा होगा हर हालत में 1 से, और इसी को हम क्या कहते हैं, चिप रिडक्शन रेशियो। तो चिप रिडक्शन रेशियो को हम लेंथ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, L1 अपॉन L2। तो यहां से आप देखेंगे, सो L1 इज ग्रेटर देन L2, यानी कि अनकट चिप की लंबाई ज्यादा होती है और चिप की लंबाई कम होती है ड्यू टू कंप्रेशन। फिर वही रीजन है इसका, क्या, ड्यू टू कंप्रेशन। ठीक है, ड्यू टू कंप्रेशन, समझ में आई बात। ओके, तो ये था वॉल्यूम कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब हम इसी चीज को दोबारा एक और तरीके से निकालेंगे, यानी कि चिप रिडक्शन रेशियो को हम देख रहे हैं, दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चिप थिकनेस रेशियो में या चिप लेंथ रेशियो में, चिप अनकट चिप की लेंथ के रेशियो में। ठीक है, दोनों में से कोई भी लगाइए फॉर्मूला, आपको आंसर हमेशा सही मिलेगा। अब हम देखेंगे बेटा एक और तरीके से। ठीक है, मान लीजिए ये वर्कपीस है आपका, दिस इज चिप, ये मशीन सरफेस, और ये आपका कटिंग टूल। ये आपका क्या हुआ, कटिंग टूल। तो आपको मैंने बताया अभी कि ये तो कटिंग वेलोसिटी है ऑफ वर्कपीस विद रेस्पेक्ट टू टूल, यानी कि वर्कपीस टूल के रेस्पेक्ट में ऐसा लगेगा इधर जा रहा है, और टूल वर्कपीस के रेस्पेक्ट में लगेगा ऐसे जा रहा है। तो अभी हम क्या ले रहे हैं कि वर्कपीस की जो कटिंग वेलोसिटी है वो इधर है, और वर्कपीस की चिप की वेलोसिटी Vf है। Vf क्या है बेटा, चिप फ्लो वेलोसिटी, चिप फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गई कटिंग वेलोसिटी ऑफ वर्कपीस विद रेस्पेक्ट टू टूल, टूल के सापेक्ष वर्कपीस की कटिंग वेलोसिटी, और दिस इज द कटिंग वेलोसिटी ऑफ चिप फ्लो। ठीक है, अब हम लगाएंगे बेटा वॉल्यूम फ्लो रेट
ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट, तो इक्वेशन हम लगाएंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन में लगाएंगे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको पता है क्या होती है कि वॉल्यूम फ्लो रेट क्यू इज इक्वल टू एरिया इनटू, मैं पूरा लिख देता हूं अभी, एरिया इनटू वेलोसिटी। अगर आप बच्चों ने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो उसमें ये बहुत यूज होती है, ओके, एरिया इनटू वेलोसिटी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है। अब इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम फ्लो ऑफ अनकट चिप, अनकट चिप इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम फ्लो, फ्लो ऑफ चिप, ठीक है, यानी कि अनकट चिप का वॉल्यूम फ्लो और चिप का वॉल्यूम फ्लो बराबर होने चाहिए, क्योंकि जितना मटेरियल आपका, जितने मटेरियल पे कटिंग टूल आगे बढ़ रहा है उतना ही मटेरियल कट के बाहर जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो वॉल्यूम फ्लो रेट जो लगाएंगे इक्वेशन हम, वो आप कैसे लगाएंगे देखते हैं, देखिए एरिया इनटू वेलोसिटी, अब अनकट चिप का एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल चिप थिकनेस, यानी कि किसी चीज, मान लीजिए चिप ऐसे है, अनकट चिप ये है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, विड्थ बी इनटू ये थिकनेस ए, करेक्ट, ऐसी तो होता है, तो वही कंसेप्ट हम यहां पर लगाएंगे कैसे, कि ए वन इंटू बी वन इंटू वेलोसिटी। अब अनकट जो पोर्शन है उसकी वेलोसिटी कितनी है विद रेस्पेक्ट टू टूल, जो अनकट पोर्शन है वो टूल के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, जितनी कटिंग वेलोसिटी है, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं बी सी, बात समझ में आ गई, यानी कि कनकट पोर्शन की कटिंग टूल के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो VC है, और कट पोर्शन की कटिंग टूल के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है, VF है, समझ में आई, तो VC क्या हो गई आपकी, वेलोसिटी ऑफ अनकट लेयर, अनकट चिप या लेयर विद रेस्पेक्ट टू टूल कटिंग, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू कटिंग टूल, करेक्ट, ठीक है, ये आ गई आपकी VC इज इक्वल टू अब देखते हैं वॉल्यूम फ्लो ऑफ चिप, अब चिप का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, ए टू इन टू बी टू, करेक्ट, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एफ, तो दिस इज द चिप, दिस इज द velocity of chip with respect to tool, ठीक है, cutting tool, तो आप notice करेंगे कि जो हम velocity ले रहे हैं volume flow rate में के केस में, वो हम with respect to tool ले रहे हैं, ठीक है, now b1 is equal to b2 है, ये इसलिए कट जाएगा, अभी हमने discuss किया था, तो यहां से क्या आ गया बेटा, ध्यान से देखो, यहां से आ जाएगा A2 upon A1, A1 को मैं इधर ले गया, तो मैं यहां लिखूंगा VC upon VF, VC upon VF, अब ये A2 upon A1 किसके बराबर है, चिप रिडक्शन रेशियो के, जो हमेशा किससे बड़ा होता है, एक से, तो यानी कि चिप रिडक्शन रेशियो को हम चिप थिकनेस, लेंथ और वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में रख सकते हैं, ठीक है, तो यहां से एक चीज हमारे समझ में आ गई कि चिप रिडक्शन रेशियो आर आर इज इक्वल टू हो सकता है ए टू अपॉन ए वन या एल टू अपॉन एल वन या वी सी अपॉन वी एफ, करेक्ट, ये हो गया चिप रिडक्शन रेशियो। अब बात करता हूं मैं चिप थिकनेस रेशियो या कटिंग रेशियो की, तो आर इज इक्वल टू कटिंग रेशियो होता है चिप रिडक्शन रेशियो का रेसिप्रोकल, यानी कि ए टू, सॉरी यहां इसे साफ कर देते, ए वन अपॉन ए टू, यह हमेशा एक से बड़ा होगा बेटा, आपको पता है, एल वन अपॉन एल टू, सॉरी यहां पर बेटा ध्यान से देख लीजिए, चिप रिडक्शन रेशियो बराबर होगा ए टू अपॉन ए वन, एल वन अपॉन एल टू, वी सी अपॉन वी एफ, तो यहां हो जाएगा एल टू अपॉन एल वन और ये हो जाएगा वी एफ अपॉन वी सी, ये हो गया कटिंग रेशो, क्योंकि कटिंग रेशो ठीक उल्टा होता है चिप रिडक्शन रेशो का ना, और इसलिए ये हमेशा एक से छोटा होगा,
बात समझ में आ गई। तो अभी हमने देखा कि किस किस तरीके से हम चिप रिडक्शन रेशो और कटिंग रेशो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से हम देख रहे हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसमें कंसेप्ट जान लेते हैं। थोड़ा और कंसेप्ट इसमें डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है, ओके। अब देखिए, नोट कर लेंगे हम इन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इफ आर आर इज हायर, यानी कि आर आर की वैल्यू ज्यादा है, देन कटिंग फोर्स जो होगा कटिंग फोर्स विल बी ऑल्सो हायर। समझ में आई बात? यानी कि अगर आर आर ज्यादा है तो समझ जाइए कटिंग फोर्स ज्यादा लग रहा है। आर आर ज्यादा होने का क्या मतलब है कि A2/A1 के केस में A2 बहुत ज्यादा हाई चल रही है, क्योंकि अनकट चिप थिकनेस तो पहले ही डिसाइड कर ली जाती है कि हमें इतनी देनी है, ठीक है। लेकिन A2 आपकी आफ्टर मशीनिंग पता चलती है कितनी है, तो अगर 4 ज्यादा है तो A2 ज्यादा होगी। यानी कि इफ कटिंग फोर्स FC इज हायर, देन A2 विल बी हायर। और ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है, यानी कि मशीनिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो A2 हायर का मतलब है बेटा, सीधी सी बात है, अगर A2 हायर है तो RR भी हायर होगा। इसलिए फॉर गुड मशीनिंग RR शुड बी लेस की जगह लोअर लिख दो, शुड बी लोअर। जब आर आर लोअर होगा देन ओनली FC विल बी लोअर, तभी जाकर आपका FC भी लोअर होगा। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे जैसे आर आर ज्यादा होगा वैसे वैसे कटिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कटिंग फोर्स हमें कम से कम रखना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये था पहला नोट, अब बात करते हैं दूसरे नोट की, ठीक है। आई होप आप सब नोट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की। देखिए, ये जो मैं फॉर्मूला आप लिखूंगा, इस फॉर्मूले का आप बिल्कुल भी मैथमेटिकली यूज नहीं करेंगे, ठीक है। याद रखना, RR इक्वल्स टू होता है e^(ex)) एक्सपोनेंशियल, आपको पता ही है, μ/π/2 माइनस अल्फा ओ ले लीजिए। अल्फा ओ क्या हो गया आपका? ऑर्थोगोनल रेक एंगल, ठीक है। आर आर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आर आर जो है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू क्या है बेटा? कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो आर आर चिप रिडक्शन रेशियो डिपेंड कर रहा है दो चीजों पर, इस फॉर्मूले से। फिर से बता रहा हूं, इस फॉर्मूले का यूज न्यूमेरिकल में नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। ये आपका जो न्यूमेरिकल ये फॉर्मूले हैं, ये आफ्टर ए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट आए हैं, बट हाँ, रिलेशनशिप जानने के लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। तो आर आर दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन पे और एक ऑर्थोगोनल रेख पर, ठीक है, ठीक है। तो आर आर अगर कम करना है मुझे have lower chip reduction ratio RR. अगर RR मुझे कम करना है तो मुझे क्या करना कम करना होगा? कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कम कर दूंगा, क्योंकि जैसे ये कम होगा इस पूरे की वैल्यू कम हो जाएगी और RR कम आ जाएगा। तो म्यू शुड बी लोअर, ठीक है, म्यू शुड बी लोअर, मतलब जो म्यू है वो आपका कम से कम होना चाहिए। अगर आपको क्या करना है, आर आर
कम रखना है, तो म्यू शुड बी लोअर। अब म्यू को कैसे लोअर कर सकते हैं बेटा, हाउ इट इज पॉसिबल टू गेट ए लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बताइए कैसे। बहुत तरीके हैं, पहला तो प्रोवाइड लुब्रिकेंट और कूलेंट, या तो कूलेंट सप्लाई करो या लुब्रिकेंट सप्लाई करो, इससे म्यू आपका कम हो जाएगा, इससे आपका म्यू कम हो जाएगा, तो म्यू शुड बी लोअर। ओके, दूसरा है टू हैव लोअर आर आर, यानी कि अगेन अगर मुझे आर आर कम चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, ऑर्थोगोनल रेक अल्फा शुड बी हायर, ठीक है, यानी कि ऑर्थोगोनल रेक एंगल जब हाई होगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। देखिए जैसी हाई होगा, देखिए अल्फा नॉट कभी भी पाई बाय 2 तो हो नहीं सकता, आपको पता है 10 से 15 डिग्री लेते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे अल्फा नॉट की वैल्यू बढ़ेगी पाई बाय 2 माइनस अल्फा नॉट की वैल्यू घटेगी, और जब इसकी वैल्यू घटेगी तो ई की वैल्यू भी कम आएगी, और जब ई की वैल्यू कम आएगी तो चिप रिडक्शन रेशियो की वैल्यू भी कम आएगी। तो अल्फा नॉट क्या है, शुड बी हायर। अब हायर का मतलब क्या है, पॉजिटिव रेक, यानी कि अब देखो हायर वैल्यू पॉजिटिव में तो आएगी, हाँ, तो पॉजिटिव रेक शुड बी यूज्ड। पॉजिटिव रेक एंगल हमें यूज करना है, जब पॉजिटिव रेक एंगल हम यूज करेंगे तब हमारे पास पाई बाय 2 माइनस अल्फा नॉट की वैल्यू कम आएगी, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस अल्फा नॉट की वैल्यू कम आएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे अब यहां पर एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट लिख देता हूं मैं, एज अल्फा नॉट इंक्रीजेस, और एंड भी लिख दूं, एंड म्यू डिक्रीजेस, यानी कि जैसे ही अल्फा की वैल्यू ज्यादा ली जाए और म्यू की वैल्यू कम जाए, देन आर आर विल बी लोअर, आर आर विल बी लोअर। रेक एंगल जैसे ही हाई होगा, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जैसे ही लो होगा, आर आर जो है वो कम होगा, एंड हेंस कटिंग फोर्स कितना हो जाएगा, बेटा वो लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे ही रेक एंगल बढ़ता है, देखो बेटा कंफ्यूज मत होना बैक रेक एंगल या ऑर्थोगोनल रेक एंगल में, थ्योरी जो है वो रेक एंगल के लिए है, ना कि ऑर्थोगोनल या बैक रेक एंगल के लिए। तो वहां पर एग्जाम में ऐसी लिखा आता है कि रेक एंगल अगर बढ़ जाए तो कटिंग फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, कटिंग फोर्स घट जाएगा। अगर वहां ऐसे लिखा जाए बैक रेक एंगल बढ़ जाए तो क्या होगा, तब भी यही इफेक्ट रहेगा, ऑर्थोगोनल रेक एंगल आ जाए तब भी यही इफेक्ट रहेगा, नॉर्मल रेक एंगल आ जाए, एक नॉर्मल रेक एंगल भी होता है, ठीक है, नॉर्मल रेक एंगल आ जाए तब भी यही इफेक्ट होगा। तो बात हो रही है रेक एंगल की, तो रेक एंगल जैसे ही बढ़ेगा और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जैसे ही घटेगा वैसे ही कटिंग फोर्स लोअर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका मैंने पॉइंट लिखवाया है जिस पर कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नॉट इन न्यूमेरिकल, इसको न्यूमेरिकल में यूज नहीं करेगा, इंपेरिकल वैल्यूज होती हैं ये, बहुत ही सुटेबली डिजाइंड होती हैं, सुटेबली प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, ठीक है, तो इनको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका यहां पर यह चीज आई, और एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहां पर MRR जो है मटेरियल रिमूवल रेट वो अनअफेक्टेड, तो बिना मटेरियल रिमूवल रेट पर कोई फर्क डाले आप कटिंग फोर्स कैसे कम कर सकते हैं, तो आंसर है या तो रेक एंगल बढ़ा दीजिए, मतलब रेक एंगल बढ़ा दीजिए और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम कर दीजिए, यानी कि किसी कूलेंट का या लुब्रिकेंट का यूज कीजिए, ठीक है। तो ये था बेटा आज का जो हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि चिप रिडक्शन रेशो या चिप थिकनेस रेशो क्या होता है, ठीक है, इसको हमने समझा अच्छे से, और फिर हमने देखा कि चिप थिकनेस रेशो या चिप रिडक्शन रेशो कैसे डिपेंड करता है रेक एंगल और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी बहुत से कंसेप्ट आगे के लेक्चर्स में आने वाले हैं,
तो बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार इन वीडियो को देखते रहिए, 2 से 3 बार देखिए, कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए, ठीक है, आपको उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है, ओके, 2-3 बार पढ़ना है बेटा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को फिर से बता देता हूँ कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस लेक्चर को, सारे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए, ठीक है, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, ओके, तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।